जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से एक्टर्स के नाम पर धोखाधड़ी के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, और इस वक्त जिस एक्टर के नाम पर धोखाधड़ी का केस आया है वो है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। चलिए आपको बताते हैं कि क्या मामला है ये। वेल, मैं आपको बता दूं कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक जगह पर जो है धोखाधड़ी का मामला किया गया है, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी थी वहां पर 6-7 लोग थे जिन्होंने शिल्पा शेट्टी को अपने स्पा का ब्रांड एम्बेसडर बोलकर पैसे ऐंठे और एक फ्रेंचाइज ओपन करने की जो है डिमांड की सामने से, और फिर इन्वेस्टर्स ने और लोगों ने भरोसा कर पैसे दे दिए। बट यहाँ पर शिल्पा शेट्टी का डायरेक्टली नाम कहीं पर भी नहीं था। जी हाँ, ऑफकोर्स उनके नाम को, उनकी तस्वीरों को यूज किया गया और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बताया गया, और साथ ही साथ फ्रेंचाइज खोलने की बात की गई, जिस झांसे में आकर लोगों ने भरोसा कर लिया और फिर पैसे जो है वो लेकर हड़प कर ये सिचुएशन सारी आ गई। सो कहीं ना कहीं एक्टर्स के नाम पर बहुत धोखाधड़ी के केसेस इस वक्त आ रहे हैं। लोग झूठी मूठी खबरें फैला रहे हैं कि हम इस एक्टर की टीम से हैं, हम उस एक्टर की टीम से हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें और जस्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस। जब तक कोई एक्टर खुद ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं कर देता, किसी ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट की बात नहीं कर देता, तब तक किसी भी ब्रांड एम्बेसडर वाली बात पर आप भरोसा ना करें। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।